हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस प्रोसेसी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अगस्त और सितंबर महीने के बुक्स करने वाले हैं, इम्पॉर्टेंट बुक्स जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आज का पहला है फियर ट्रम्प इन द वाइट हाउस। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है और हिंदी में भी है। ठीक है, इसके लेखक है बॉब वुडवर्ड। ठीक है, बॉब वुडवर्ड है इसके लेखक। किसके? फियर ट्रम्प इन द वाइट हाउस। यह पुस्तक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की बुनियादी फिटनेस के बारे में गंभीर प्रश्न उठाती है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रम्प जो है अमेरिका के राष्ट्रपति है। ये पुस्तक जो है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की बुनियादी फिटनेस के बारे में गंभीर प्रश्न उठाती है। इस लेखक ने कार्ल बर्नस्टीन के साथ द फाइनल डेज नामक किताब भी लिखी है। दूसरा है यूनिफायर ऑफ मॉडर्न इंडिया। सरदार पटेल यूनिफायर ऑफ मॉडर्न इंडिया के लेखक है R.N.P. Singh। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने हाल ही में सरदार पटेल आधुनिक भारत के यूनिफायर नामक पुस्तक का अनावरण किया था। यह पुस्तक R.N.P. Singh द्वारा लिखी गई है। दोस्तों, यूनिफायर का मतलब क्या होता है? एक रूपता लाने वाला या एकजुटता लाने वाला। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन है? भारत के पहले गृह मंत्री है और उप प्रधानमंत्री। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, पहले गृह मंत्री है और जो देसी रियासतों के भारत में विलय में इनका सबसे ज़्यादा योगदान है। ठीक है, नो स्पिन माई ऑटोबायोग्राफी, ये लिखा है शेन वॉन ने। ठीक है, अनहिंज्ड एन इनसाइडर अकाउंट ऑफ द ट्रम्प वाइट हाउस। इस पुस्तक के लेखक है ओमारोसा मैनी गोल्ड न्यूमैन। अनहिंज्ड एन इनसाइडर अकाउंट ऑफ द ट्रम्प वाइट हाउस ओमारोसा मैनी गोल्ड न्यूमैन। ठीक है, पांचवा बुक है घाट्स ऑफ बनारस। ये पुस्तक लिखा है सच्चिदानंद जोशी ने। संस्कृत राज्य मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा ने 9 अगस्त 2018 को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली में 3 किताबें जारी की। पहली किताब है डॉक्टर गुलाब कोठारी की ज्वेलरी, डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी की घाट्स ऑफ बनारस और डॉक्टर गौतम चटर्जी की अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है दोस्तों, देखिए गुलाब कोठारी ने लिखे ज्वेलरी, सच्चिदानंद जोशी ने घाट्स ऑफ बनारस और डॉक्टर गौतम चटर्जी ने अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ब्रॉडकास्टिंग। नेक्स्ट है द धोनी टच, जो हमारे महेंद्र सिंह धोनी है वो धोनी है। ठीक है, धोनी टच अनरेवलिंग द एनिग्मा दैट इज महेंद्र सिंह धोनी, ये लिखा है भारत सुदर्शन ने इस पुस्तक को लिखा है। द हाउस ऑफ इस्लाम अ ग्लोबल हिस्ट्री, ये लिखा है एड हुसैन ने। द हाउस ऑफ इस्लाम अ ग्लोबल हिस्ट्री पुस्तक को स्वयं घोषित पूर्व इस्लामवादी कट्टरपंथी एड हुसैन द्वारा लिखा गया है। यह इस्लाम की जटिलताओं और मुस्लिम दुनिया के आंतरिक मनोविज्ञान की पड़ताल करता है। नेक्स्ट है अनसर्टेन ग्लोरी इंडिया एंड इट्स कॉन्ट्रडिक्शन, ये पुस्तक लिखी है अमर्त्य सेन ने। ठीक है, अमर्त्य सेन कौन है? एशिया के पहले व्यक्ति है जिन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है और ये इंडिया के हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एशिया के ये पहले व्यक्ति है अमर्त्य सेन। इन्होंने लिखा है एन अनसर्टेन ग्लोरी इंडिया एंड इट्स कॉन्ट्रडिक्शन। अमर्त्य सेन ने अनिश्चित महिमा, अनसर्टेन मीन्स क्या होता है? अनिश्चित, ग्लोरी मीन्स महिमा। ठीक है, अन
अनिश्चित महिमा नामक पुस्तक लिखी है। अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र के लिए 1998 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई व्यक्ति है और ये भारत के हैं। ठीक है दोस्तों, आज का ये वीडियो बस यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों, और चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।